टी नाइन भारतवर्ष की टीम आज पहुंची है चांदामेटा। जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूर चांदामेटा गांव है, जहां पर कुछ समय पहले नक्सली का राज होता था, नक्सलियों की राजधानी इसे कहा जाता था। लेकिन आज अगर हम इस गांव की तस्वीर देखें तो बिल्कुल बदली हुई तस्वीर है। इस गांव में सड़क, बिजली, पानी सभी यहां पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर यहां के लोगों की बात करें, यहां पे रहने वाले लोगों की बात करें, तो उनकी जो बातें हैं और जो उनकी कहानियां हैं बहुत दर्दनाक है। अभी हम जब यहां के ग्रामीणों से बात कर रहे थे तो उनमें से ग्रामीण हमें मिला था, उस ग्रामीण से हमने बात करी, उस ग्रामीण ने हमें बताया अपने बारे में और कुछ समझाया कि कितनी मुसीबतों के साथ आके 10 साल बाद वो जेल से निकला है। तो टीवी 9 भारतवर्ष के जो दर्शक हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं बस्तर के अंदरी क्षेत्र के चांदामेटा गांव की कहानी, जो आज तक ना किसी ने देखी होगी और ना सुनी होगी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम भीमा मड़कमेश है। भीमा, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि आप 10 साल बाद जेल से निकल के आए हैं। जी सर। तो थोड़ा सा बताएंगे टीवी 9 के दर्शकों की कि आखिर क्यों आप जेल गए थे, किस कारण जेल गए थे? मैं नक्सली कांड में नहीं गए थे सर मेरे को, लेकिन मैं नक्सली काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं खेती किसान कर रहा था मेरे बीबी के साथ, मेरे पापा के साथ, लेकिन मेरे को नक्सली आए बोल के ले गए थे जेल। फिर 10 साल काट के आया हूँ जेल, जेल से फिर निकला हूँ। अच्छा, जेल नक्सली कांड के लिए गए थे? नक्सली कांड जो हुआ था यहाँ पे, कौन सा कांड ऐसा हुआ था जिसके कारण आपको जेल में? टाकावाड़ा घटना। टाकावाड़ा घटना में और क्या हुआ था? जीरम कांड और टाकावाड़ा में दोनों वो केस लगा हुआ था सर हम लोग को, वो मामला दोनों लगा था, ये जीरम कांड भी लगा था और टाकावाड़ा का घटना भी लगा था मेरे को। अरे दे कामानार, वो कामानार का भी लगा था मेरे को। कितना केस लगा था मेरे को? 5 केस, 5 केस लगा था, और बाकी केस को नहीं जानता हूँ, लेकिन 3 केस को मैं जानता हूँ। कितने साल बाद जेल से छूट के आए हो आप? 10 साल 1 महीना। 10 साल 1 महीना। जी सर। जब आप, अभी आपने बताया कि आप शादीशुदा हैं, जी तो बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं। बच्चे तो 1 महीना भी नहीं हुआ था सर, 8 दिन भी नहीं हुआ था जन्मों के तब गया था। अभी मेरा बच्चा देखना कितना बड़ा हो गया। तो जब बच्चे ने पहली बार देखा, क्योंकि अब 8 से 10 साल हो गया, अभी तक तो पापा नहीं बोल रहे हो, तो पेंशन नहीं ले रहे हो, इसको बोल रहा है कि बाबू बोल रहा है इसको, आपको नहीं पेंशन पेंशन नहीं ले रहे है मेरे। लेकिन इसको भी, मेरा बीबी को भी बोल रहा है कि मम्मी, ओ लेकिन इसको पापा बोल रहा है। ये तो कभी आपने सोचा नहीं कि जब अभी, क्योंकि कितने दिन हुए आपको निकले हुए यहाँ से? यहाँ से कम से कम दान कटी समय आ गया। कभी सोचा निकल के कि यार ये जो मेरे साथ परिस्थितियाँ हुई थी, जो मेरे को पुलिस वाले उठा के ले गए थे, कभी आपने पूछने की कोशिश नहीं की लोगों से, या फिर उनसे सवाल नहीं किया कि क्यों आखिर मुझे उठा के ले गए थे? मेरा को मैं लोहरा कर गया था सर, क्या बोला वो लोग, लेकिन तुम लोग दारू पियो, हम लोग पी दिए, अच्छा है बोल के हम लोग पिए दारू, पीने के बाद ये लोग क्या बोले, तुम लोग पुलिस लोग आ रहे हैं तुम लोग को ले जाने के लिए बोले, और तुरंत आके हम लोग को बांधा हुआ है, आँख मन को तुरंत बांधा है, पूरा आँख मन को बांध के मोटरसाइकिल में बैठा है, सीधा नेतानार ले गए। फिर वहाँ से, वहाँ से फिर लाए परपा, परपा से फिर लाए, मेरा पिताजी मेरा पिताजी आता था कि परपा आके पूछता थे कहाँ लाए, उसको तो थोड़ा नजर में तो दिखा देना बोल के बता रहा था मेरा पिताजी। उसके बाद फिर बोलता था कि यहाँ का पुलिस लोग नहीं लाए, फिर जाओ दरबा, दरबा से फिर जगदलपुर, जगदलपुर ऐसे जगदलपुर जाके जेल में थे। तो केस भी चला हुआ आपका? केस तो बहुत चला है सर। तो उसके लिए पैसा? तो 1,70,000 रुपया। कहाँ से आया पैसा? मैं पिताजी दिया है, पूरा गाय बैला छेरी मेंढी पूरा चौप बेच बेच के दिया। अभी घर में नहीं है, एक शेरी नहीं है, बैला नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी केस खत्म हो गया कि नहीं? हो गया। ऐसे कितने लोग हैं इस गांव से जिनको ले गए हैं? और अभी फिर बच्चा हुआ है सर, बच्चा है मेरा, बड़े दादाजी भी बच्चा है, वो भी बहुत चाल हो गया सर, वो डॉक्टर बुढ़ा हो गया, वो अभी तक भी नहीं निकला हुआ है। 2013 में लेके गया, 2013 में घटना हो गया जीरम कांड में,
दिया है 2013 में घटना होगा जीराम कांड में और 2014 में ले गए, 14 में ले गए, अभी तक भी निकला हुआ है। उसका केस भी कहाँ चल रहा था, बिलासपुर चल रहा था सर, बिलासपुर से। ये मेरा दादा को भी बिलासपुर जेल में था, वहाँ से पीर आपस किया हूँ मैं। पीर आपस करने के बाद पीर बोले यही जगदलपुर कोर्ट में चल रहा है सर उसका केस। भीमा के पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्योंकि 10 साल उनका जो बेटा है वो 10 साल जेल में रहा है नक्सली मामले में, जैसा उसने बताया है कि 10 साल वो जेल में रहा, उसके बाद वो निकला है। तो उनसे भी जानते कि वो 10 साल जो थे जेल में, जो भीमा था उस समय इनके परिवार पे, उनके घर वालों पे क्या गुजरी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंगा है। सिंगा, ये भीमा आपका बेटा है? हाँ, मेरा बेटा है। ये बता रहे थे कि जेल में था 10 साल नक्सली। मैं जा करके मैं तो वहाँ से लड़ रहा हूँ और यहाँ मैं भी रोशन का पूरा मैं ये क्या रसोई काम करता हूँ स्कूल में और वहाँ काम कर करके पैसा वहाँ दिए और बहुत है मैं तकलीफ हुआ बहुत रो रो के और उतना बैल भी रहा था, बैल को भी पूरा बिक्री कर दिए और वो बकरी रहा था, बकरी के मन को भी पूरा बिक्री कर दिए। उसके बाद कैसे कैसे कर करके उसको दे दिए। तो कभी जानने की आपने कोशिश नहीं की कि मेरा बेटा नक्सली था या नक्सली मामले में था या क्यों उसको पुलिस वाले ले गए? वो क्या है, मैं तो एक नक्सली में थे नहीं था, लेकिन यहीं पर काम करने वाला था, लेकिन वो उधर खाए के लिए गया था कि मैं नहीं जानता था, लेकिन उन लोग की और लोहरा पास जाएंगे वो रुके बता रहा है। ओ, फिर इतना समय भी कैसे नहीं आ रही वो बोल के मैं ढूंढ रहे और सिंगूर वाले उन लोग पकड़ के ले गया। वो ये बता था भी आपका बेटा कि आप भी जेल में थे, आपको भी ले गया था जेल में? हाँ, मेरे को भी ले गया था। आपको क्यों ले गया था? और मेरे को क्या उसी के साथ में रहते हो बोल के। कब छूटे आप? मैं तो बहुत यहाँ संधामेटा में क्या है ये नेतानार में भी रहा था और वहाँ एक दिन और वहाँ से फिर गया परपा में और यहाँ दरबा भी रहा था दुर्गे शर्मा रहते समय। दुर्गे शर्मा टीआई जो था? हाँ, उस समय मेरे को बहुत मार पीट भी किया वो सर। अच्छा ये बताओ, कुछ समय पहले बता दी चांडा मेटा में नक्सली करते थे? वही है, पूरा नक्सली है, आप लोग पूरा नक्सली है बोल के। मैं रसोई काम करने वाली हूँ, लेकिन पुलिस वाले कोलंग में कैंप बैठ गया है, लेकिन आप लोग पुलिस के साथ में आप लोग रहते हो बोल के। कौन बोलता था सर? ये इधर जंगल वाले। अच्छा, इधर आने से इधर मतलब नक्सली नक्सली इधर आने से इधर भी मार खाना है और उधर जाने से उधर ही भी बहुत है। तो फिर क्या करते थे आप? जैसे बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले आपका बेटा तो... थोड़ी देर पहले आपका बेटा बता रहा था कि आप जब पुलिस वाले रहते थे तब जंगल भाग जाते थे और जब नक्सली आते थे तब भी जंगल भाग जाते थे, तो तकलीफ कितनी होती थी उस समय? और उस समय बहुत तकलीफ हुआ है सर, बहुत तकलीफ हुआ। नक्सली भी आपसे आके खाने का सामान मांगते थे? नहीं, ओ मांगती था। हाँ, क्या बोलते थे? ओ क्या है, एक सवाल पूरा गांव वाले पूरा फड़न है। हाँ, और मिर्ची और सब लोन और सब नमक मक सब पहले और अभी तो नहीं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि इस गांव से भी एक नक्सली नेता है, इस गांव में कोई नक्सली नेता रहा था क्या? नहीं। अच्छा, पीछे जो तुलसी डोंगरी है वहाँ पे आज भी नक्सली है क्या? मालूम है। अच्छा, मैं तो हूँ वो झंझट में मैं नहीं रहा हुआ, लेकिन मेरा काम किया है वही रसोई काम करने से मेरा हो ही है। अभी आते हैं इस गांव में? नहीं है, नहीं है। अब पूरी तरह से नहीं, 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 नहीं है। ठीक है, तो ये एक चांदा मेटा के परिवार की कहानी है जिन्होंने साफ बताया कि जब पुलिस वाले थे तो उन्हें जंगल में भागना पड़ता था, नक्सली आते थे तो जंगल में भागना पड़ता था और नक्सली जो है इनसे आके खाने का सामान मांगा करते थे और इनको देना मजबूरी था और उसी के चलते इनको जो है जेल में भेजा गया एक प्रकार से कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस वाले बार बार आकर सवाल पूछते थे कि नक्सलियों से आप मिलते हो क्या, नक्सलियों के पास आप जाते हो क्या।
तो इस तरह की जो कहानियां हैं इन छोटे से गांव में, बस्तर के इन गांवों में जो आपको सुनने को मिल रही है टीवी 9 भारतवर्ष पर, जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ा, किस तरीके से इनका परिवार जिया है और जी रहा है, क्योंकि 10 साल एक बहुत बड़ा समय होता है जब एक परिवार के लिए, जिस परिवार से एक बेटा जो है जेल में चला जाता है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए चांदा मेटे से मैं सुमित सेंगर।